तो पहले दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पर खुदाई हुई थी और सामान जो सामान प्राप्त हुए थे ये हम पहुंच चुके हैं सामने। तो ये देखिए यहां पे सब लगे चुके हैं और यहीं पर वो जो खुदाई हुई थी वो स्थल है ये सारनाथ का। तो चलिए आपको दिखाते हैं हम आगे। तो यहां पर सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, कहां पर क्या था। हाँ हिंदी ये विहार क्रमांक 7 है, यानी कि बौद्ध विहार था ये, बौद्ध विहार था ये। अभी भी देखो यहाँ पर पत्थरों की जो पड़ी हुई है देख रहे हो वस्तु अवशेष, ये खुदाई में मिले हुए थे। और वहाँ भी बना हुआ वात्सल्य कक्ष यानी बेबी केयर रूम बच्चों के लिए। ऊपर चढ़े ना रोक में। हाँ ये सब खुदाई हुई थी। तुम्हें पता तुम्हारे पीछे कितने बौद्ध भिक्षु आ रहे हैं? हाँ तुमने देखा ही नहीं, नहीं, नहीं। और ऐसा लगता है पूरा बौद्धमय भारत हो चुका है। और यहाँ से जो बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहा है ना, तम्मेक स्तूप, यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है। कहाँ है स्तूप? सारनाथ देश भर में सबसे पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान ने महाधर्म चक्र परिवर्तन के रूप में अपना पहला पवित्र उपदेश दिया था, इसलिए यहाँ की कई संरचनाओं और स्मारकों का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। बता दें कि ये प्राचीनतम नगर सम्राट अशोक के शासन में काफ़ी फला फूला है। यहाँ पर आपको अशोक स्तंभ जाने का मार्ग है और धम्म चक्र विहार जाने का मार्ग है। तो सबसे पहले हम बाहर बाहर से होके आते हैं, आ जाओ। अर्धवृत्ताकार चैत्य पहले इधर से हो ले। लोग ऐसे स्थलों पे देखिए उखड़ पकड़ जाएगा जब ये वैसे उछल कूद मचाएंगे। इनको देखिए यहाँ पर सोए हुए ज्ञान प्राप्ति हो रही है ना। हाँ अशोक स्तंभ ये था। तो अभी आ चुके हैं ये अशोक स्तंभ के पास। चलो आगे बढ़ो। इसमें भी सबने पैसे डाल रखे पालन नहीं करते थे संघ के नियमों का, उन्हें सफेद कपड़े में संघ से एग्जिट कर दिया गया था। तीसरी लाइन में अशोक को देवा नाम प्रियदर्शी करके उल्लेख किया गया। ये चारों पिलर्स इसी के टॉप पे थे, बीच वाले पिलर के अशोक का ये इसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। दूसरे देश की मुद्रा है अशोक स्तंभ में, तो ऊपर शेर नुमा चार शेर नुमा बने, तो उसका भाग जो है उसमें म्यूजियम में रखा हुआ है। पत्थर में देखो यहाँ से जो टूट के गया था ना ऊपर सामने देखो, यहाँ से सामने से सारी चीजें जो है म्यूजियम में।
अगर पहले म्यूजियम ना देखे हो तो तुम्हारे समझ में भी नहीं आता। मैं बीच में रहूंगी, आप लोग चलो, मैं बीच। और यहाँ पर देखो वैद्य के यहाँ पर ध्यान करते थे लोग। आ जाओ, ये देखो यहाँ से गए ना वहाँ पर जो थे। सारनाथ का वो स्थल जहाँ पर खुदाई हुई थी और बुद्ध के अवशेष प्राप्त हुए। देख रहे कितना बड़ा स्थल है। ये मूलगंध कुटी विहार है, अगरबत्ती देख रही हो, इसकी खुशबू अलग है। और ये बेसिकली ये लकड़ी का बना हुआ है, देखो ध्यान से, ये लकड़ी है ये, ठीक है, हाँ। और ये कुटी हुआ करती थी, इसमें रहती थी। अच्छा, इसमें इनका आसन विश्राम होता। और यहाँ देखो गोल्डन फॉयल लगी हुई है, जो सोने की वर्क होती है ना, वर्क इसको लगा रखा लोगों ने। तुम भी अपना माथा टेक लो। मैं भी माथा टेक लूँ। ये मंदिर था। तो बताओ तुमको मूलगंध कुटी विहार देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा फिल्म यहाँ देख के। और जो मैंने नहीं देखा था बहुत दिनों, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है बोध विहार, समझ लूँ मैंने फर्स्ट टाइम, जहाँ जहाँ से खुदाई करने के बाद पुरानी जो मूर्तियाँ वगैरह निकली हैं सब मैंने। तो अभी हम खड़े हैं मूलगंध कुटी विहार, और पीछे देखिए धम्मे स्तूप, कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है। चलिए देखिए हम कब तक पहुँच पाते हैं उधर, क्योंकि हम जब आए थे तो हम दूसरे रास्ते से आए थे, ठीक है न। अब मूलगंध कुटी विहार के बाद हम बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पे देखिए विदेशी पर्यटक जो आ चुके हैं, अपनी अपनी फोटोग्राफ्स वगैरह शो करते हैं। देखो उस समय की ही चीज़ें हैं। अभी इधर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मिलता है ना। रात हो जाएगी पहुंचते। सारनाथ सारनाथ मंदिर में है? हाँ, वहीं पे हम लोग हैं, वहीं पे हम रात हो जाएगी पहुंचते।
और तैयार रहो तुम लोग भी आने के लिए। अब बनासाली बस से इधर आओ, इधर दिखाते यह है पंचायतन मंदिर, यहाँ पर पांच आयतें बनी हुई। चलो ठीक है ना, पंचायतन मंदिर रेस्ट करें कुछ वहां करेंगे देश। दोस्तों शाम के 4:30 बज रहे हैं और देखिए अब जितने भी शैक्षणिक स्कूलों के टूर थे, बच्चे आए थे टूर पे, वो सब जा रहे हैं। जितने भी स्कूलों के बच्चे थे सब धीरे धीरे अब जा रहे हैं और इन्होंने देखिए पूरा सारनाथ का भ्रमण किया। अभी कुछ स्कूलों के बच्चे रह गए हैं और शाम हो रही है। अब आपको हम चलते हैं धम्मे के स्तूप दिखाएंगे और फिर आपको आगे और कुछ दिखाते हैं, इसलिए कंटिन्यू इस वीडियो में बनी रही है। जल्दी चलो, यहीं रहना है क्या तुमको? ये देखिए दोस्तों, यहाँ बौद्धिस्ट लोग बैठे हैं और अपनी साधना में हैं कुछ लोग, ये देखिए। और हम लोग चल रहे हैं स्तंभ के पास धीरे धीरे।